नमस्कार, बिजतक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। आजकल क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चाएं खूब तेज हैं। खास तौर पर क्रिप्टो बाजार में आई गिरावट ने युवा ही नहीं हर उम्र के लोगों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर जिज्ञासा और बढ़ा दी है। निवेशक मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान है और हाल के दिनों में क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेने वाले अलग ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्रिप्टो बाजार में निवेश करना रिटर्न के लिहाज से कितना फायदेमंद हो सकता है। कई मशहूर हस्तियां भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग अलग तरह के विचार रखते हैं। जहां इलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसीज का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और उनका एक ट्वीट क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को क्रिप्टो करेंसीज पर भरोसा ही नहीं है। वह कई बार क्रिप्टो पर संदेह जता चुके हैं। पिछले हफ्ते एक सेशन में उन्होंने बताया कि वो क्रिप्टो में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि वे उन चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका कोई वैल्यूएबल आउटपुट होता है। साथ ही कंपनियों की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके अनुसार क्रिप्टो की वैल्यू ऐसी है जिसे दूसरा कोई तय करता है, दूसरा इसे खरीदता है जिसे दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह इससे समाज का कोई भला नहीं होता है, और यही वजह है कि उनका क्रिप्टो करेंसीज में विश्वास नहीं बन पाया है। इसी साल फरवरी में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक इंटरव्यू में उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आज जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज काम करती है उससे इसका इस्तेमाल कुछ आपराधिक गतिविधियों के लिए हो सकता है, इससे दूर रहना फायदेमंद है। वहीं एक और इंटरव्यू में गेट्स ने कहा था कि बिटकॉइन ऊपर या नीचे जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके बारे में कैसा सेंटिमेंट है। भले ही इसके बारे में जैसी भी राय हो, हमारे पास यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि आगे इसकी चाल कैसी रहेगी। और वाकई इस वक्त क्रिप्टो बाजार का हाल भी ऐसा ही है। आगे आने वाले दिनों में ये कब तक अपनी रफ्तार पकड़ पाएगा ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। साथ ही ज्यादातर सरकारें क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सख्त नियम के दायरे में लाने की कोशिश में लगी है, जिससे कहीं ना कहीं निवेशकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में एलन मस्क जैसे प्रभावशाली लोगों के ट्वीट के बारे में भी चर्चा की है। बिल गेट्स ने कहा कि ऐसे लोगों के ट्वीट्स का क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस पर असर पड़ता है। उनके मुताबिक एलन मस्क के पास बहुत पैसा है, वह बहुत बुद्धिमान है, वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि उनका बिटकॉइन अचानक बढ़ सकता है या गिर सकता है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे लोग क्रिप्टो में दिलचस्पी दिखाते हैं जो रेगुलर सेविंग के लिए पैसे को अलग नहीं करते हैं। अगर आपके पास मस्क से कम पैसा है तो आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। पिछले 3-4 महीनों में क्रिप्टो करेंसी सहित करीब सभी एसेट क्लासेस में बड़ी गिरावट आई है। यूक्रेन क्राइसिस, बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह है। जहां शुरुआत में बिटकॉइन को महंगाई से सुरक्षा देने वाला एसेट माना जाता था, लेकिन इसमें आई गिरावट से यह धारणा भी टूटी है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो क्रिप्टो करेंसी केवल बाकी एसेट क्लास की तरह ही गिरावट का शिकार है। क्रिप्टो में आई गिरावट को इसकी इंडिविजुअल नेचर में कमी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सही समय है क्रिप्टो मार्केट को समझने का, और इस दौरान जो क्रिप्टो करेंसीज खुद को एक हद तक स्टेबल रखने में कामयाब रहते हैं उसमें आगे निवेश करने को लेकर मन बनाया जा सकता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं क्रिप्टो बाजार पर। रात 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन 2.1% ऊपर चढ़कर 24,61,000 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इथेरियम 2.3% की उछाल के साथ 1,65,000 रुपए पर कारोबार कर रहा था। सोलाना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था जो 3.2% ऊपर उठकर 4,225 रुपए पर पहुंच गया। वहीं डॉजकॉइन 1.7% ऊपर चढ़कर 7.80 रुपए पर पहुंच गया था। टीथर 0.8% की गिरावट के साथ 81 रुपए पर आ गया। तो इसी तरह से क्रिप्टो से जुड़ी खबरों और क्रिप्टो के प्राइसेस से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिजतक।